नवी मुंबई में अब लॉकडाउन प्रतिबंधों में बड़ी छूट मिलने वाली है। थाने जिला अधिकारी कार्यालय में उच्च अधिकारियों की हालिया बैठक में इसका निर्णय लिया गया। जिला अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई और मनपा थाने क्षेत्र में कोरोना कम हुआ है और वैक्सीनेशन 90% तक हो चुका है, इसलिए यहां प्रतिबंधों में ढील देना जरूरी है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मनपा आयुक्त को दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। मनपा चुनाव से पहले नवी मुंबई मनपा क्षेत्र में लॉकडाउन प्रतिबंधों में बड़ी छूट मिलने वाली है। थाने जिला अधिकारी कार्यालय में उच्च अधिकारियों की हालिया बैठक में यह निर्णय लिया गया। जिला अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई और थाने मनपा क्षेत्र में कोरोना का असर घटा है और 90% तक कोविड वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, इसलिए मनपा आयुक्त को स्थितियों के अनुसार प्रतिबंध हटाने का अधिकार दिया गया है। जाहिर है प्रतिबंध हटने से होटल और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक और दूसरे प्रतिष्ठान 100% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। आइए सुनाते हैं जिला अधिकारी ने क्या कुछ कहा। राज्य शासनाने काल दिनांक 2 मार्च रोजी कोविड निर्बंध शिथिल करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे त्यामध्ये ज्या जिल्ह्यांमध्ये पहिला डोस 90% आणि दुसरा डोस 70% एवढा पूर्ण झालेला आहे त्या जिल्ह्यांमध्ये हे निर्बंध शिथिल करण्यात आलेले आहेत। ठाणे जिल्ह्याचा पूर्ण जर विचार केला तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये पहिला डोस हा 86% जनतेने घेतलेला आहे आणि दुसरा डोस हा 74% लोकांनी घेतलेला आहे, त्यामुळे 90% निकष पहिल्या डोसचा हा ठाणे जिल्हा ॲज सच पूर्ण होत नाही आहे। तथापि नवी मुंबई महानगरपालिका आणि ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये हे प्रमाण 90%पेक्षा अधिक असल्याने आजच्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की निर्बंध शिथिल करण्याचे जे राज्य शासनाचे आदेश आहेत हे ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई महानगरपालिका आणि ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये शिथिलते हा लागू राहील आणि उर्वरित महापालिका नगरपालिका आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये मात्र राज्य शासनाचे पूर्वीचे निर्बंध हे कायम राहतील। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।